बाबू जगजीवन राम ने आजाद भारत के नव निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दलितों का सामाजिक तथा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। भारत के पूर्व उप मुख्यमंत्री दलितों के मसीहा बाबू जगजीवन राम जी की जयंती बाबू जगजीवन राम पार्क आवास विकास चंदोसी पर भव्य रूप से मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता राम सिंह तथा संचालन AK सिंह व अरविंद अंबेडकर ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सतीश प्रेमी पूर्व प्रदेश कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग रहे। कार्यक्रम के संयोजक बाबू जगजीवन राम विचार मंच के महासचिव रामजी मल एडवोकेट थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बाबू जगजीवन राम को दलितों का मसीहा तथा आधुनिक भारत का दूरदृष्टि का महान नेता बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश प्रेमी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम जी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आज़ादी के बाद भारत के कृषि मंत्री, रेल मंत्री तथा रक्षा मंत्री रहते हुए अपनी योग्यता से देश को उच्च मुकाम तक पहुंचाया तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान प्रदत्त आरक्षण को पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाकर दलितों का सामाजिक तथा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अपनी योग्यता तथा दूरदृष्टि से आधुनिक भारत का निर्माण किया। भारत सरकार को बाबू जगजीवन राम जी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ देश के निर्माण में आज़ादी के बाद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सतीश प्रेमी ने यह कहा कि दलित समाज को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बाबू जगजीवन राम जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। पूर्व प्रधानमंत्री, दलितों के मसीहा और सर्वजन में पूरे आज़ादी के बाद भारत को नया रूप देने वाले परम पूज्य बाबू जगजीवन राम जी का जन्म दिवस है, उनकी जयंती है। और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति बाबू जगजीवन राम पार्क चंदोसी में इसका आयोजन जयंती का हो रहा है। मैं बधाई देना चाहूँगा सब उनके बाबू जगजीवन राम विचार मंच के पदाधिकारियों को और ख़ास करके उनके संस्थापक विचार मंच के संस्थापक धीर सिंह वर्मा जी को कि उन्होंने बाबू जगजीवन राम जी का विचार को आगे बढ़ाने का काम किया। और जयंती के जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबू जगजीवन राम जी बहुत बड़ी सोच के व्यक्ति थे, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जिन जिन मंत्रालयों में रहे उन मंत्रालयों में सर्वजन के लिए काम किया, इस देश की राष्ट्रीयता के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए काम किया। बाबू जगजीवन राम जी के विचार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने दलित समाज का उत्थान किया ही किया, पूरे देश का आधुनिक भारत का निर्माण में बहुत बड़े सहायक साबित हुए, क्योंकि आज़ाद भारत के पहले वे मंत्रिमंडल में पहले मंत्री थे। काफ़ी मंत्रालयों में रहे, कृषि मंत्री रहे, रेलवे मंत्री रहे और जिन जिन मंत्रालयों रहे उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। उनके कामों को आज तक प्रशंसनीय कार्य रहा जिन्हें आज तक उनकी लोकप्रियता हासिल है। उन कार्यों को लिए मैं यही कहना चाहूँगा, बाबू जगजीवन राम जी के विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये देश बाबू जगजीवन राम जी विचारों को आगे बढ़ाने काम करे, उनको भारत रत्न देने का भी काम करे, तो बाबू जी का निर्माण में, भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। यही मेरी पूरे देश के और प्रदेश के और ख़ास करके चंदौसी के निवासियों को बाबू जगजीवन राम जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई।